वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों से कहा कि टैक्स चोरी की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतें और ईमानदार करदाताओं को अच्छी सर्विस देकर उनका आभार जताएं। वित्त मंत्री ने अफसरों की पीठ ठोकते हुए कहा कि सिस्टम से खिलवाड़ करने वालों के प्रति आप गंभीर हैं तो मैं आपके साथ हूँ। सीतारमण ने कहा, टैक्स से बचने वालों को पकड़ने के लिए राजस्व विभाग की 3 शाखाएं, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और रेवेन्यू इंटेलिजेंस आपस में जानकारियां साझा करें। करदाताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के नजरिए से टैक्स का भुगतान करना चाहिए, न कि इसे किसी सजा की तरह लेना चाहिए। The underlying principle of all that we are doing is for a better redistribution of wealth. After all, tax is collected for it. Tax is not collected as a punishment. Tax is collected because those who have earned a lot more because of their effort, which is justifiable, which we have to appreciate, which this country should give place for. But the nation takes that tax more because we want to redistribute it for people who have not been so able to make that kind of a earning for themselves. वित्त मंत्री ने आयकर अधिकारियों को सलाह दी कि जो लोग टैक्स सिस्टम से खेल रहे हैं उन पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीका या फिर डाटा माइनिंग तरीका अपनाने से परहेज नहीं करना चाहिए। I would have suggested for the income tax department a badge of honor with a bee in it. You know, a honey bee in it. A badge of honor with a honey bee in it which tells you that each one of you all are like a bee. Which is derived, I think, Chanakya's Niti Shastra, that you know, you just go sit on the flower without hurting the flower, take a little bit of pollen grain, come back to your beehive and help the process of making honey, and that comes of use for everybody. Each one of you all are like a bee. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन करीब दोगुना हो गया है। ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। टैक्स का पैसा उन लोगों के काम आ रहा है जो गरीब और पिछड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में 11.37 लाख करोड़ रुपए आयकर जमा हुआ है। आयकर की शुरुआत 1861 में हुई थी, तब 30 लाख रुपए टैक्स के रूप में मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट।